भोजपुरी स्टार्स और उनके स्ट्रगल। आज हमारे टॉप के भोजपुरी स्टार्स कैसे आए फिल्मों में और किस तरह से उन्हें करना पड़ा स्ट्रगल, आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं शुभी शर्मा से। तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। फिल्मों में आने से पहले वो एक डांस क्लास में डांस सिखाती थी और वहीं उनके डांस मास्टर ने उन्हें भोजपुरी फिल्मों में जाने के लिए कहा। जब उन्होंने भोजपुरी फिल्म चलनी का चालल दुल्हा निरहुआ के अपोजिट साइन की, उनके पापा और रिश्तेदारों ने काफी जलीकटी सुनाई भोजपुरी फिल्मों में काम को लेकर, लेकिन उन्होंने किसी की न सुनी और उन्होंने अपना काम जारी रखा और वो आज भोजपुरी का जाना माना नाम है। अंजना सिंह। फिल्मों में आने से पहले अंजना ने स्ट्रगल का एक लंबा दौर देखा है। पहले कपड़ों की दुकान पर उन्होंने काम किया और फिर जब वो फिल्मों में आई तो जूनियर आर्टिस्ट और बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया। फिर जाके उन्हें रवि किशन के साथ एक ब्रेक मिला और आज वो भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप हीरोइनों में से एक है। मोनालिसा। मोनालिसा फिल्मों में आने से पहले कोलकाता के एक होटल में रिसेप्शनिस्ट थी। वहां उन्हें किसी ने कहा कि फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करती और आज वो भोजपुरी का एक ऐसा नाम है जो सबके दिलों पर राज कर रहा है। अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह के माता पिता तो एक्टर शुरू से थे और एक्टर होने के कारण उनके खून में ही एक्टिंग थी, तो अक्षरा ने कुछ हिंदी शोज किए और बाद में रवि किशन के साथ उनकी पहली भोजपुरी फिल्म आई। अब बात करते हैं एक्टर की, अपने एक्टरों की। तो हमारे ये तीनों सुपरस्टार बहुत ही लंबे स्ट्रगल के बाद फिल्मों में आए हैं, शायद इसलिए उन्होंने कामयाबी का इतना जबरदस्त स्वाद चखा है। पवन सिंह ने कई स्टेज शो किए, कई एल्बम रिलीज की और अब आपको बता दें कि उनके पास तब एक साइकिल नहीं हुआ करती थी। उनके एल्बम लॉलीपॉप लागेलू ने रातों रात उन्हें स्टार बनाया। आज उन्हें भोजपुरिया शेर कहा जाता है। खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव भोजपुरी के ऐसे स्टार हैं जिन्होंने अपने रियल लाइफ में गरीबी क्या होती है देखी है। कभी ये दिल्ली की सड़कों पर लिट्टी चोखा बेचा करते थे और अपने पापा के साथ चने के ठेले पर चना बेचा करते थे। इनकी कई एल्बम फ्लॉप रही, लेकिन 2000 में आई इनकी एक एल्बम में इन्हें रातों रात स्टार बना दिया और सबका पसंदीदा सिंगर भी, और आज ये भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ। दिनेश लाल यादव निरहुआ फिल्मों में आने से पहले काफी स्ट्रगल किया है। ये शादियों में धोबी गीत गाया करते थे और स्टेज शो भी किया करते थे। एल्बम निरहुआ सटल रहे की जबरदस्त कामयाबी के बाद इन्होंने चलत मुसाफिर मोहलियोरे पहली भोजपुरी फिल्म साइन की। फिल्म तो कुछ खास नहीं चली, लेकिन निरहुआ का करियर चल पड़ा। आज इनके कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इन्हें भोजपुरी का जुबली स्टार कहा जाता है और फिल्में भी इनके नाम पर बनती है। भोजपुरी जगत की चटपटी और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।